ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने इसमें आपको कि जब आपने दो पीस डाल दिए ना इसमें लास्ट का कलर आया, देखें रेडी हो गया और ये बहुत ही जबरदस्त जूसी। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शेज और ये है अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। शेज आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? जिंगर बर्गर बन रहा है आज हमारे किचन में। अच्छा व्यूवर्स, आज हमारे किचन में एक जिंगर बर्गर की रेसिपी बड़ी जबरदस्त होने वाली है जो की जूसी और बहुत ही सॉफ्ट टेंडर होगा इंशाल्लाह और क्रिस्पी भी होगा। तो हम शेज से पूछते हैं, शेज इसमें क्या क्या चीजें डालनी है, हमारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताया जी। मैंने ये थाई के पीस लिए ठीक, और क्या कहते हैं आप लोग चेस के पीस नहीं लिएगा, थाई के पीस बूचर से कह के आप लोग करवा लिएगा, ये इस तरह बना देते हैं वो लोग खुद ही और बहुत अच्छे जूसी बनते हैं और थाई के पीस से बहुत अच्छे बनते हैं और चेस के पीस से बनाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा, कैची वाला आपको मजा नहीं आएगा। तो ये मैंने 2 कप मैंने मैदा लिया है ठीक, 2 कप और 1/2 कप मैंने चावल का आटा लिया और 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर जी, अच्छा जी कॉर्नफ्लोर मैदा, ये था ये मैदा 2 कप मैंने यहाँ पर लिया ठीक। अच्छा ये मैंने एक बंद गोभी लिए और ये सैलेड पत्ता लिया है, सही है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया है, सही। 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चे लिए, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, ब्लैक पेपर मैंने 1 टेबल स्पून लिया, व्हाइट पेपर मैंने 1 टेबल स्पून लिया, ये मायनीज लिए और 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है और ये सिरका 1 टेबल स्पून लूंगी और ये केचप जो कि आप लोगों को अभी इस्तेमाल आपको बनाना सिखाया। चलो व्यूअर आपको बताते हैं कि मेरी अच्छी सी रेसिपी शुरू होते हैं, हम क्या करते हैं। चलिए ठीक, अब हम आपको मसाले डाल के दिखाते हैं। सही है, ये हमने नमक डाला, सही है, ये हमने सॉल्ट ले लिया, ये अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, चिकन पाउडर हो गया ठीक। अच्छा ये सारी चीजें एक साथ ही जाएंगे जी, और ये अगर आप लोग रात में लगा के रख दें बहुत ही तो बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आपका बढ़ेगा इसमें। और अगर आप हम यहाँ पे लाजमी लगाना कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे आपको लगाना है, बहुत जूसी और बहुत जबरदस्त। लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो और अच्छा बनता है। हमारे आपको बनाना है ना तो आप रात से ये मैरिनेट करके और रात से लगा के रख दें फ्रिज, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और नहीं है तो अर्जेंट आपको बनाना है तो 1 घंटा तो फिर भी 1 घंटा दे वरना नहीं मजा आएगा, अंदर तक जूसी हो जाता है। कम से कम आपको हाथ से आप मैरिनेट करना है, हाँ जी मिक्स करेंगे तो इसका तो असल मजा यही है ठीक है। अभी आपको बता दें फिर करते क्या। देखिए व्यूअर्स, हमने सारे मसाले लगा दिए थे, फिर 1 टेबल स्पून इसमें हमने सिरका डाल दिया था ठीक है, और फिर हम इसे 1 घंटे के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए तो रखे लास्ट कम से कम, वरना अगर रात में लगा देंगे और 2-3 घंटे के लिए रख देंगे तो बहुत ही अच्छा और मजीद जूसी बहुत जूसी बन जाता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमने इसमें क्या क्या मसाले डालना है। पहले तो हमने ये कॉर्नफ्लोर और ये चावल का आटा जो हमने डाला था, अगर ना हो किसी को तो स्किप कर दें चावल का आटा, लेकिन बहुत क्रिस्पी बनता है इससे, आप अगर डालेंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेगा ठीक है। ये आधे आधा कप हमने दो चीजें दोनों चीजें आधा 1/2 कप लिए और मैदा मैंने 2 कप लिए। ये देखें व्यूअर्स, अच्छा इसका शायद अलग मसाला है जी, इसका अलग मसाला है, वो जो हमने डाला था वो मैग्नेट के लिए था, वो मैग्नेट के लिए था, ये इसके लिए। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्चे लिए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर ठीक। ये सब मसाले हमने इसके अंदर डाल देने हैं। ये जो हमने 2 कप आपने क्या लिया मैदा जी, 2 कप मैंने मैदा लिया, 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और 1/2 कप मैंने चावल का आटा ठीक है। चावल के आटे के कोई फायदे? बहुत क्रिस्पी बनता है इससे। चावल के आटे से ये टिप है जो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा और क्रिस्पी। अभी आपको दिखाएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। अच्छा हुसैन, ये अपना इसको अच्छा करें छान लें, क्योंकि ये सारे मसाले छानने से पता है क्या फायदा होता है, हाँ। कि सारे मसाले यकजान हो जाते हैं और फिर ना क्या कहते हैं इस तरह मिक्स करते हैं तो सही मिक्स नहीं होता। थोड़ा सा डाल दें, मैं डालती जाती हूँ, आप करते जाए, सब यकजान हो जाते हैं इससे सारे मसाले। अच्छा वैसे हम चावल मिक्स हो जाता है, ये देखिए ये सारे मसाले जो थे ना इसमें ब्लैक कलर के आ रहे हैं, काली मिर्च के मसाले आ रहे हैं फ्लेवर। अच्छा ये मसाला जो है ना अभी आज जिंगर बना लिया, फिर आपने इसे ना किसी एयर टाइट जार में करके फ्रिज में रख दे तो ये आपके 2-3 महीने तक इसमें आराम से आप बना सकते हैं जिंगर, सही खराब नहीं होता ये मसाला, उसके लिए नया भी ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, मतलब फिर जाया नहीं करे ना फिर काम आ जाता है ये ठीक है। व्यूअर्स को क्या, देखिए व्यूअर्स, जो मैंने दही लिया था ना 3 टेबल स्पून तो इसको मैंने पानी डाल के और मिक्सी में कर लिया इसको ठीक, तो या फेंट ले ऐसी कोई या हाथ से फेंट लें या मिक्सी में कर लें
उसके बाद हम इसे ठंडे यख पानी में, ये ठंडा यख पानी है, बिल्कुल ठंडे यख पानी में डालना है, चिल्ड होना चाहिए बिल्कुल ऐसे। तो ये है फिर आपका बड़ा जबरदस्त सा बनेगा, बड़ा क्रिस्पी सा बनेगा जी। अच्छा, शर्त ये कि ठंडा पानी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बहुत ज्यादा चिल्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कितना मजेदार। अच्छा भैया देखें, बिस्मिल्लाह, हमने यूं करना है, इसको इसमें करना है। ठीक है, अच्छा इसमें कितनी कोटिंग करनी है, एक मरतबा या दो मरतबा? दो बार कोटिंग करनी है। दो बार कर लेंगे, फिर हमने ये करना है इस तरह लाइन में कर दूं जी। चलो ठीक है, बस बस इसी में डालना है। नहीं, अभी फिर दोबारा करेंगे ना, इस तरह करके हमने अच्छे से करके फिर हम ये लिंक करेंगे, फिर इसी को हम इसी ठंडे पानी में डीप करेंगे। पानी को सरोसर ड्रेन होने देंगे, जैसे ड्रेन हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर, फिर इसको दोबारा से जी। आप इस बार हमें बहुत अच्छे से करना है, दूसरे बारी में। अच्छा, सेकंड टाइम बहुत अच्छा करना है। ठीक है, देखा है, मैं बता रिवर्स को ऐसे करके हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, ये पहले पीसेस तैयार कर ले जी। चारों पीस हम एक प्लेट देखो सर। ठीक है, अच्छा ये इस वाले पीस में रखेंगे इसको, हम फिर इस तरह ये झाड़ देंगे तो हाँ। फिर हमारे वैसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी जैसे उनके बने हुए, बस जितना लग गया ये जी इसके साथ लेके जाना है। ये के बाद फिर हमें ये देखे वैसे ही हमारे क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम आपको दूसरा पीस, चलो अब दूसरा पीस करते हैं। ठीक है, चलिए व्यूअर्स आपको बता दें, देखिए व्यूअर्स हमारा ऑयल रेडी हो गया। ठीक, तो फिर अब हम करते हैं। अच्छा, आप कितने पीस फ्राई कर सकते हैं एक साथ? हम दो पीस करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। अच्छा व्यूअर, जब भी ये डालते हैं, टिप दे रहे हैं आपको कि ये आपने दो पीस डाल दिए ना, इसमें लाजमी आप इसको छुएगा नहीं, थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन दो से तीन मिनट तक तो बिल्कुल नहीं छुएगा जी। दो से तीन मिनट तक बिल्कुल नहीं छुएगा, वरना ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बस क्रम उतर जाएंगे इसके जो इतने प्यारे बने हुए हैं। ये दो मिनट बाद आपको बताते हैं, दो मिनट बाद आपको बताते हैं करना क्या। हो गया तकरीबन पांच मिनट लगे, अब इसको थोड़ा सा फिर दोबारा ऊपर लाएंगे इसको हम ऑयल को, फिर उसके बाद हम यही अमल दोबारा करेंगे। और बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है ना, तो फिर आप करिए ना। हाँ, जब डाल लेना तो फिर भूल जाए, फिर ये आपका क्रिस्पी नहीं होगा, वरना ये आप डाल के फिर इसको भूल जाए। हाथ तकरीबन चार से पांच मिनट तक तो आप छुइएगा नहीं इसको, बस ये डीप हो गया, खत्म, बस। ठीक है, अब आपको बताते हैं ये वाले भी निकालते हैं। देखिए व्यूअर्स को हमारे कैसा हो गया, ये देखिए व्यूअर्स ये हो गया रेडी। अपनी जगह, ये अपनी जगह इंशाल्लाह। चले अब आपको बताते हैं इसको करते हैं, इसको डेकोरेशन कैसे करते हैं। देखिए ये हमारे, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ये मजबूरी है, अभी एक साल इतनी बड़ी रेसिपी कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने ये बाजार कर लिया है। ये शेयर ये रहे, हल्का सा हमें ऐसे कर लेना, अभी खा लुक आ जाए, ये एक मिनट लगता है तकरीबन, बाकी आपको जाता है। हाँ, बस हमारा ये रेडी होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसको गर्म करके नहीं यूज करेंगे तो मजा नहीं आएगा जी, क्यों ये आपका बन बिल्कुल एक फुसफुसा सा लगेगा, भले कितने ही थोड़ी सी माइनस भी लगा के आप लोग कर सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ही रेडी हो गया। अब आपको दिखाते हैं करना क्या है। रेडी है, अब आपको शेयर सिंगा एक सॉस जी, यूनिक सॉस जी। फ्राइज भी रेडी कर लिए मैंने, अभी शॉर्ट ब्रेक में उन्होंने थोड़ा सा फ्राइज रेडी कर लिया है, क्योंकि इसके साथ बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और इतने ही आगे अंदर जा चुके हैं रूम में जी, जा चुके हैं और कुछ खत्म भी हो चुका है। देखेंगे, मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है, थोड़ा सा ब्लैक पाउडर और ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, हालांकि लोग तो मेयोनीज लगा के फिनिश कर देते हैं, ये सॉस बड़ा अच्छा सा बनता है, लेकिन ये बड़ा थोड़ी सी चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, और फिर हम बहुत प्यारा सा जबरदस्त। अच्छा, ये मेयोनीज तो हमने घर पे बनाई है, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि व्यूवर, ये मायनीज और ये जो हमने केचप बनाया था इसी बॉटल में, तो ये दूसरी दफा हमारा यूज हो रहा है, तो इसका आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, केचप का भी और मायनीज का भी। चलिए
तो सर ना बनाई मैं रेडी कर दूं। ये मैंने सॉस बना दिया, ये देखिए बहुत जबरदस्त सा हो सॉस है, ये आप लोग खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए व्यूअर जी, सबसे पहले हमने ये ले रहे हैं, इसमें स्पेशल देखिए आपने किया था ना, अभी तक मजा आ रहा है जी हाँ, गरम बिल्कुल एक गरम सा और एक क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो रहा है हमारा बन भी। अच्छा ये जो बनाया ना लोग इसमें मेयोनीज लगा के वाइंड अप कर देते हैं, लेकिन नहीं, शेयर्स की किचन में कुछ ऐसा होगा कि हटके हो और फ्लेवर भी अच्छा हो, जूसी भी हो और हटके भी हो। ये देखे आप अपने टेस्ट के हिसाब से सो कम ज्यादा कर सकते हैं शेष जी हाँ। ठीक है, ये हम आपको दो रेडी करके दिखा रहे हैं, बाकी तो अभी हमारे बहुत सारे बनेंगे। अच्छा अब हम ये हमने केचप लिया है, स्पून ले लें। हाँ नहीं सही है, बहुत ही टेस्टी केचप होता है। हम आपको केचप की रेसिपी दे चुके हैं शेष जी, ये मतलब बगैर केमिकल के। अच्छा अब हम आपको क्या करते हैं, अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैलेड देते हैं पहले, कभी आप ऊपर रखा नहीं है। अच्छा व्यूअर्स ये हमारे सैलेड पत्ता आ गया, ये हमारा सैलेड पत्ता आ गया, ठीक है ये हमारा सैलेड पत्ता आ गया। ठीक है शेष जी। अच्छा वो मैं इसमें एक आपको चीज भी लाया था, मैं चीज वाला भी बता दूं, इनको फंक्शन है जी जी। अच्छा ये अगर हम इस तरह कर लेंगे तो जरा खूबसूरती से आती है इसमें, बहुत ही गर्म हो रहा है शेष अभी तक ये जी है शेष, ये देखो ये थोड़ा सा बाहर निकाल दें। ठीक है ऐसे नहीं नहीं ये चीज व्यूअर्स ये हमारा, ये हमारा इसमें वापिस आ गए दोबारा सेकेंड, ये हमारी आ गई मेयोनीज आ गई है। अच्छा जो लोग केचप डालते हैं वो केचप डाल लें, ठीक है ये देखें, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालना है, अगर आप केचप डालते हैं तो केचप भी डालिएगा इसमें, ठीक है पास लोग पसंद नहीं करते हैं तो सिर्फ मेयोनीज लगा लें। ठीक है और फिर इसके बाद अगर आप देखें ये व्यूअर्स ये मैं डाल रहा हूँ, इसमें अगर आप चीज डालना चाहें तो बहुत फ्लेवर बढ़ जाता है, और नहीं है तो कोई वो जरूरी नहीं, एक हमारा रेडी है। कर दें आप इसको। हाँ ये हमारा इसमें आपके मेयोनीज आ गया, ये हमारा एक और आ गया व्यूअर्स, अभी हम सारे इसको रेडी करेंगे बिल्कुल, ठीक है शेर। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कवर कर देना है, आपके रेडी हो गए। अच्छा बहुत से लोग इसमें बीच में भी रख के खा लेते हैं जी हाँ। वो अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा हम लोग इसको प्लेट के साइड में रख देते हैं कि उसके साथ जैसा दिल चाहे कर ले। रेडी हो गया और ये बहुत ही जबरदस्त जूसी और बहुत ही जबरदस्त ये KFC अपनी जगह, ये अपनी जगह, तो इंशाल्लाह ये आप इसको बहुत जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा ये और बहुत ही यम्मी सा है। तो व्यूअर्स आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो शेयर आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जी? आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आपको इसमें लिंक देंगे और आपको चार चीजों का मिल जाएगा, आपको क्लब सैंडविच का, मेयोनीज का, केचप का और बर्गर का। अंडे वाले बर्गर चारों का आपको मिलेगा। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।